जिंदगी में जब भी दर्द की इम्तहां होती है, जहन में मेरे बस मेरे माँ होती है। और मैं ये कहूँगा आप लोगों से कि पति पत्नी के बीच में सिर्फ विवाद हुआ है, संवाद कहीं नहीं हुआ, पूरी सृष्टि में कहीं नहीं हुआ, बस एक ही जगह संवाद हुआ है, रावण और मंदोदरी के बीच में। मंदोदरी मंदोदरी पहुंचती है रावण के समक्ष और कुछ प्रश्न करती हैं। वो प्रश्न मैं रखता हूं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब दशानन बोलते हैं, हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, तारना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, और सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। हम लोगों के बीच बैठी इकलौती मात शक्ति को मैं बुलाता हूँ यहाँ पे, यहाँ है जगत नियंता जगताधारा माँ भगवती सरस्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सांड बनारसी जी के पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ, तुलस्यान जी को प्रणाम करती हूँ, अन्य सभी गणमान्य जन जिनको कुछ लोगों को मैं पहचान पा रही हूँ, समृद्ध शिष्ट अति विशिष्ट उपस्थित समस्त विद्वत जनों को प्रणाम करती हूँ, जो मुझसे कुछ छोटे भी हैं और कुछ बड़े हैं। आज पहली बार गिनीज बुक में ये दर्ज होगा कार्यक्रम कि जितनी संख्या में श्रोता उतनी ही संख्या में कवि भी तो दमदार कुछ भी कार्य करते हैं तो वो दमदारी से ही करते हैं। आइएगा प्रथम चार पंक्ति मैं उस ईश के चरणों में निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नमन नमन दिन कर को करती हूँ, नमन दिन कर को करती हूँ, जगत जिन से प्रकाशित है, नमन उपवन लताओं को, नमन उपवन लताओं को, धरा जिन से सुवासित है, नमन माता पिता को है जिन्होंने सृष्टि में लाया, नमन वैदिक ऋचाओं को, नमन वैदिक ऋचाओं को, वेद जिन से सुभाषित है, नमन उपवन। और आइएगा चार पंक्ति इसी कुल की और आपके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। सभी का भाग्य जो लिखता, सभी का भाग्य जो लिखता, उसे भगवान कहते हैं। सभी का भाग्य जो लिखता, उसे भगवान कहते हैं। प्रेम का धन जो है रखता, प्रेम का धन जो है रखता, उसे धनवान कहते हैं। लड़ी निश दिन अभावों के प्रभावों से खड़ा देखो, क्षुधा सबकी मिटाए जो, क्षुधा सबकी मिटाए
जो उसे कृषिवान कहते हैं, क्षुधा सबकी। और मुझे ये लग रहा है कि ये पूरा मंच विशुद्ध पारिवारिक मंच है। यहाँ पे ऐसी अनुभूति ही नहीं हो रही है कि हम कोई कवि सम्मेलन, ऐसा लग रहा है कि परिवार के कुछ लोग बैठे हुए हैं, हमें वो सुनना चाहते हैं और हम बिना किसी शर्त के, बिना किसी प्रोटोकॉल के केवल उन्हें सुनाना चाहते हैं। सुनिएगा, चार पंक्तियाँ और रखती हूँ आपके समक्ष। देखिएगा, सैनिक की जो पत्नी होती है ना, उसकी व्यथा कई बार अनकही हुआ करती है। हम सैनिकों के तमाम विरदावली बखान करते हैं, विरदावली का गायन करते हैं, किंतु जो तड़पन उसकी पत्नी झेलती है ना, वो कम किताबों में आ पाती है, कम काव्यों में आ पाती है। कुछ उस पीड़ा को महसूस करने की कोशिश की है, सुनिएगा। पत्राचार होता है सैनिक और सैनिक की पत्नी के बीच में, उसी के कुछ अंश हैं, ये वार्तांश के मुक्तक हैं, सुनिएगा। रक्त बन कर धमनियों में बहते हो तुम, रक्त बन कर धमनियों में बहते हो तुम, अच्छा लगता। प्रिय, मैं दूर होता हूँ तो तुम कैसा महसूस करती हो, सुनिएगा। रक्त बन कर धमनियों में बहते हो तुम, अच्छा लगता है जैसा भी कहते हो तुम, अच्छा लगता है जैसा भी कहते हो तुम, प्राण समूह प्रतिष्ठित हृदय में मेरे, प्राण समूह प्रतिष्ठित हृदय में मेरे, याद आते नहीं याद रहते हो तुम, याद आते नहीं याद रहते हो तुम, तुम मेरी अल्पना, तुम मेरी कल्पना, तुम मेरी अल्पना, तुम मेरी कल्पना, तुम मेरी कल्पना और हो प्रार्थना, तुम मेरी कल्पना और हो प्रार्थना, बिन तुम्हारे ये ब्रह्मांड भी कुछ नहीं, कैसे औरों की अब मैं करूं कल्पना, कैसे औरों की अब मैं करूं कल्पना, सृष्टि में तुम विषय वस्तु हो गर्व के, तुम ही तो हो प्रणेता प्रणय पर्व के, मैं ही कहती नहीं जग है कहता तुम्हें, मैं ही कहती नहीं जग है कहता तुम्हें, कामना हो मेरे तन हो गंधर्व के, कामना हो मेरे तुम हो गंधर्व के, तन हो गंधर्व के। और सुनिएगा, अर्थिक कलश का विसर्जन आपने देखा होगा, सैनिक की पत्नी अर्थी कलश का विसर्जन करती है और उसके मन के भाव इन चार पंक्तियों में रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। भावनाओं के संसार में तुम दिखे, भावनाओं के संसार में तुम दिखे, मेरे कृतियों के आधार में तुम दिखे, मेरे कृतियों के आधार में तुम दिखे, तीर्थ करने गई जो हरे द्वार तो पावनी गंग की धार में तुम दिखे, पावनी गंग की धार में तुम दिखे, पावनी गंग की धार में तुम दिखे। और आइएगा, एक गीत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, नवीन गीत है ये समझ लीजिएगा, उसका एक बंद पढ़ती हूँ मैं, पहली बार आपके
आंगन में इस काशी के, और काशी में मैं कभी भी कविता पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मैं केवल तीर्थ कराने आती हूँ अपनी कविताओं को, इसके अलावा दूसरा कोई भाव नहीं होता है। तो सुनिएगा ये एक मुक्तक और एक गीत का बंद, सुनिएगा कि भारत की नारी का उत्तम चित्र दिखाने आई हूँ, भारत की नारी का उत्तम चित्र दिखाने आई हूँ, गंगा की पावन लहरों को मित्र बनाने आई हूँ, गंगा के पावन लहरों को मित्र बनाने आई हूँ, रक्षा करना राम धरा की बिनती बारंबार करूँ, रक्षा करना राम धरा की बिनती बारंबार संतो ऋषि मनीषी रूठे पितृ मनाने आई हूँ, संतो ऋषि मनीषी रूठे पितृ मनाने आई हूँ। बहुत हो गया, बहुत लंबी फहरिस्त है, आप सबको सुनिए गीत फिर कभी। शुक्रिया।